खबर बुलंदशहर से। अमित हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी, उसका प्रेमी व साला निकला कातिल। पत्नी ने प्रेमी व भाई के साथ मिलकर केबिल से गला घोट कर की थी अमित की हत्या। शराब पीकर पत्नी रानी से मारपीट करता था अमित। योजना के तहत 27 जुलाई को की गई हत्या। घर में कत्ल करके पोखर में ले जाकर फेंक दिया गया था शव। पुलिस ने तीनों आरोपी किए गिरफ्तार। आला कत्ल भी बरामद। चोला थाना पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर किया खुलासा। 29/7/2023 को सुबह चोला पुलिस को एक सूचना मिली, जिसमें अमित पुत्र कमल सिंह निवासी चोला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मृत हालत में चोला में तालाब के किनारे पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए चोला पुलिस एवं स्वाट टीम द्वारा जाँच करी गई। जाँच में कुछ तथ्य इस प्रकार प्रकाश में आए कि अमित की जो पत्नी है रानी, उसने अपने प्रेम संबंधों के चलते अजय के साथ अपने पति अमित की 27/28 की रात्रि में अपने भाई रामबाबू, अजय एवं रानी ने मिलकर अमित की हत्या कर दी गई और जो उसका शव था हत्या कर पास के तालाब में पोखर के पास डाल दिया था। अमित के भाई नवीन की तहरीर के आधार पर चोला पुलिस द्वारा 150/23 मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। तीनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। बुलंदशहर से संजीव भटनागर की रिपोर्ट, जनकल्याण न्यूज़।